आवा दे ग्रीश एंड अवनीत के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए. सुपर, व्हाट अ परफॉर्मेंस यार. ग्रीश क्या परफॉर्मेंस दिया यार, कांग्रेचुलेशंस. शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू. वेरी गुड यार, नवनीत के साथ तो मतलब कमाल छा रहे थे. मतलब अभी पिक्चर की है तो ऐसा बनता है ना. बोले यार तुम लोग यार कैसे, मतलब ऐसा किसेस करते हो यार, क्या मतलब यार, ना कमाल, वेरी गुड. बड़ा यार आप नहीं करते हो. नहीं बड़ा ऐसा नहीं कर पाता हूँ नवनीत जैसे हीरोइन के साथ. यार इतने दिन कहाँ थे यार, अब 2 साल कितना वेट किया लोगों ने, कहाँ थे. इधर ही था. क्या कर रहे थे? आई मीन एक अच्छी फिल्म करनी थी और विजय जी वॉज गुड. हेलो. लेकिन ये लुक में क्या डिफरेंस है, बहुत वो अलग था, ये पूरा लुक अलग हो गया, क्यों क्या किया आपने? अरे लोग कहते हैं कि आप कैरेक्टर करो, पहली पिक्चर में कैरेक्टर किया तो वो बोला, अभी ये कैरेक्टर है. तो ओरिजिनल लुक क्या है अपना? यही है यार, बस जो है सो है, हम सब लोग सुधर. क्या बात है, बहुत खूब. अधिकतर ग्रीश ऐसा होता है कि जो इंडस्ट्री में एक्टर्स आते हैं वो कुछ लेके आते दिमाग में, मुझे ये करना है वो करना, तो क्या लगता है 10 साल के बाद, दस साल के बाद क्या क्या होगा आपके पास, कितनी फिल्में होंगी, कितने अवार्ड्स होंगे? उम्मीद करता हूँ इफ गॉड्स विलिंग कि बहुत कुछ होगा, बहुत सारी फिल्में होंगी, सुपर हिट फिल्में होंगी. वैभव के साथ 3-4 पिक्चरें होंगी, विजय जी के साथ 5-6 पिक्चरें होंगी. पक्का पॉलिटिकली बिल्कुल करेक्ट है. प्रोड्यूसर का बेटा हूँ ना, क्या करूँ, है ना. प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों को शामिल कर लिया, बोला अगली फिल्म कुछ हो ना हो ये तो होगी है. या नवनीत के साथ काम करना अपने आप में पहली बार काम कर रही थी, उसके पहले श्रुति ने काम किया था, श्रुति ने तो वो तो कमाल की मजबूत कलाकार हैं. क्या डिफरेंस लगता है? जी डिफरेंस बस यही है कि नहीं है, मुझे लगता है कि नवनीत भी बहुत मेहनती है, श्रुति भी बहुत मेहनती थी, बट आई थिंक सी दिस स्टोरी विच वैभव स्क्रिप्टेड रिक्वायर्ड वेरी फ्रेश फेसेस एंड आई थिंक नवनीत रियली फिट द बिल. क्या बात है, तो नवनीत को बुलाया जाए, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. नवनीत कम ऑन.